और आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 27 अक्टूबर और आज है भैया दूज, तो कल शाम को हम आ गए थे अपने घर से वापस यहाँ, और जो दिवाली पूजा थी और गोवर्धन पूजा थी वो हमने अपने घर में सेलिब्रेट की, पर भाई दूज आज मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो आज हम लोग करेंगे चित्रगुप्त पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ भाई दूज के दिन चित्रगुप्त जी की पूजा होती है। तो और उसके बाद जाऊंगी मैं अपने भाई को टीका लगाने, जो मेरा भाई जो यहीं रहता है, तो मैं उसके यहाँ जाऊंगी टीका करने। तो चलिए अब तैयारी करते हैं चित्रगुप्त पूजा की, और मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ चित्रगुप्त जी की पूजा क्यों होती है। तो फटाफट करते हैं तैयारी, और उसके बाद तैयार होते हैं और करते हैं पूजा। तो जुड़े रहिएगा आज का पूरा दिन आप लोग मेरे साथ। और तो बस अभी हम हो गए हैं तैयार, और यहाँ पर हो गई है पूजा की सारी तैयारी, और अभी इन्होंने नहा लिया है, गुरु नहा रही है, जय अभी लेटे हैं, अभी नहीं नहाए हैं। तो जब तक यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी कर ली है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की तैयारी। बस ये पूजा की थाली, ये कल चौक, ये प्रसाद, और यहाँ पर रख लिए हैं ये सारी कलम, क्योंकि आज माना जाता है कि जो चित्रगुप्त भगवान थे वो ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनके वंशज को सब काय कहा जाता है। तो इसीलिए सभी जो लोग हैं हम लोगों को कायस्थ के नाम से जानते हैं। अब इनके सभी अलग अलग जो श्रीवास्तव, सक्सेना, अलग अलग जो वर्ग हो उसमें डिवाइड हो गए हैं। बाकी जितने भी कायस्थ हैं आज के दिन सभी लोग चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो चित्रगुप्त जी का काम था वो लिखने और पढ़ने वाला काम था, तो उनका जो मेन, उनके हाथों में आप देखेंगे तो कलम और दवात होती है। तो आज के दिन हम लोग भी अपने यहाँ कलम की पूजा करते, हमारे पापा लोग कहा जा करते थे कि दिवाली के बाद जो दिन 2 दिन होते हैं वो वहाँ पढ़ना लिखना बिल्कुल आराम से रहना, पढ़ना लिखना नहीं होता था। मना करते थे कि अब 2 दिन छुट्टी है तुम्हारी, तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिवाली पूजा के बाद कलम रख दी जाती है और फिर बाद में उसकी दो दूज पूजा के बाद ही उसको उठाया जाता है। तो ये 2 दिन जो लिखना पढ़ना सारे काम ऐसे बंद हुआ करते थे। तो हम लोग जब बचपन में थे तो बहुत खुश हुआ करते थे, पर जो उसका मेन रीज़न था, अब बड़े होने के बाद समझ में आया कि कलम की पूजन के बाद ही उसको उठाया जाता था। और सभी जो कायस्थ बंधु हैं उन सभी को चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी फटाफट से कर ली है पूजा, और उसके बाद चलते हैं भाई के यहाँ, उसको टीका करना है तो वहाँ इंतज़ार कर रहा हो। और पूजा का सारा सामान जो है, टीके का सारा सामान पैक कर लिया है, रख लिया है। तो और हम भी हो गए हैं, और आज हमने पहनी अपनी येलो कुर्ती, और इसके अलावा आज गुनगुन ने पहनी है, आज गुनगुन ने पहनी अपनी येलो कुर्ती जो उसने खरीदी थी अभी अंकित वामा की शादी में हल्दी के लिए। वो पहन नहीं रही थी, मैंने उसको ज़बरदस्ती पहना दिया कि पहन लो, अच्छा लगेगा, पहन अच्छा लगेगा। और जय ने पहना अपना पुराना पीला टी शर्ट, तो दोनों भाई बहन आज येल्लो येल्लो डर्टी फैल। तो गुनगुन दीदी आ गई है गोगो को टीका लगाने। हाँ निकू पोछ लो भाई। और ये है किट्टू दीदी। ए किट्टू दीदी ने भी आज येलो येलो पहना है। ओहो आज तो सब लोग येलो पहन। अभी जय और गोगो तैयार है अपने टीका लगवाने के लिए भाई। किट्टू दीदी थाली तैयार हो गई तुम्हारी, और मैं भी तैयार हूँ। हाँ और किट्टू दीदी भी तैयार हो गई है, तीनों लोग तैयार हो गए। गुनगुन गोगो लटक के पकड़ लेगा ये लग गया टीका। अब क्या होगा किट्टू इसके बाद? मिठाई चढ़ा दो थोड़ी। अब किट्टू को थोड़ा सा मिठाई उसको खिला दो। आ करो गोगो, अभी अंदर नहीं गया बिट्टू। हाँ थोड़ा किट्टू के हाथ से खा लो।
अरे स्वाद आया है भैया को थोड़ा सा। हाँ गोगो ने खा लिया। अच्छा है भैया। देखो आंखें वहीं जा रही है मिठाई के बाहर। हाँ भाई पूरे घर के ऊपर दुनिया दिखा रहे हैं। रुको इसको ज़ूम कर देती हूँ, मामा ने पैर छुए थे। ये रिव्यू रिटेक वाला काम नहीं है। देखो हो गया। गोगो जा रहे हैं भैया। आऊ गोगो टाटा बाय बाय। बाय बाय। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शाम के नाश्ते में बना रहे हैं मुंगौड़े। और मुंगौड़े चूँकि घर में भी अभी दिवाली पूजा में बने थे मुंगौड़े तो खाए थे, पर जो गुनगुन के पापा जी थे वो नहीं गए थे तो इसलिए वो नहीं खा पाए थे। तो इसलिए आज भैया दूज के दिन हमने सोचा कि लाओ शाम को फ्री हैं तो बना लेते हैं गर्मा गर्म मुंगौड़े। और मुंगौड़े के साथ भिगोई है बड़े की दाल भी। तो इस दाल में मैंने थोड़ा सा अदरक पीस के डाला, थोड़ा मिर्च पीस के डाला है और इसको फेंट के रख दिया है। अभी थोड़ी देर जब ये मतलब हो जाएगा 10-15 मिनट तो इसको फेंट के फिर इसको बनाएंगे इसके बड़े और इसके। हाय गाइस। हेलो गाइस। और किट्टू आई है हमारे घर में और किट्टू खाने आई है मुंगोड़े। तो आज मैं बनाऊंगी और किट्टू खाएगी, है ना किट्टू? बुआ कैसे मुंगोड़े बनाती है किट्टू बता दो। अच्छे हाँ, टेस्टी टेस्टी। अभी किट्टू खाएगी टेस्टी टेस्टी मुंगोड़े, है ना, जो हम बनाते हैं फटाफट। यू वो टेस्टी होता है। टेस्टी होता है, टेस्टी होता है। हाँ तो हम किट्टू खाएगी टेस्टी टेस्टी मुंगोड़े। बस अब बनाती हूँ मुंगोड़े और सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स हमने मंगाया था ये क्या है, सूरेक है। और ये बहुत लेट डिलीवर हुआ, इसकी जब ऑर्डर किए थे ये 22 तारीख को की थी और ये आज जाके कर रहे हैं जय। और देखिए कैसा निकलता है ये। अभी जय इसको असेंबल करेंगे और इसके बाद हमारे जूते ऐसे बाहर बैठ के नीचे ऐसे पड़े हुए हैं घुसे हुए। तो ये इसके पार्ट्स हैं सारे। अभी इसको लगा फिट करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो जब फिट हो जाएगा उसके बाद हम आपको ये दिखाते हैं। अभी जय को करने दीजिए फिट। तो जय का कम से कम 1 घंटा तो इसमें लगने वाला ना जय। चलो थोड़ा बिजी हो जाएगा जय। फटाफट लगाते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसा है ये क्वालिटी वाइज। अभी हमने शाम को की आरती कर ली है और दीपक ये लोग सब चले गए थे। और ये जला दिए कि ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। और अब करते हैं सोने की तैयारी क्योंकि कल से हैं वापस से स्कूल। ये दिवाली की जो 4 दिन की छुट्टियां थी वो ऐसे चली गई कि पता ही नहीं चला। इन 4 दिन की छुट्टियों में घर भी होकर आए और जो दिवाली की सफाई थी वो घर की वो भी कंप्लीट करी। तो बहुत सारा काम हो गया, आना जाना बाहर दौड़ काम धाम त्यौहार वाली वाइफ्स थी वो सारी कुछ हो गए। तो अच्छा लगा छुट्टियों, मतलब इतना सब कुछ रहता है कि छुट्टियाँ पता ही नहीं चलती। 4 दिन की छुट्टियाँ कैसे, 5 दिन की छुट्टियाँ कैसे चल गई पता ही नहीं चला। पर अच्छी बात ये थी कि घर होकर आ गए और गुनगुन आई, उसके साथ अच्छा लग रहा टाइम स्पेंड करना। अभी उसके 1 हफ्ते के लिए आई है वो तो, पर मेरा तो वापस से कल से स्कूल है तो फिर वही सेम रूटीन फॉलो। तो अभी थोड़ी देर देखेंगे बिग बॉस और उसके बाद सोने की तैयारी। बस थोड़ा सा 10-5 मिनट देखकर सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी जागना है। और अभी के लिए लेती हूँ मैं आपसे विदा और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ।